नमस्ते, दिस इज पूजा। इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टू टाइप्स के रायते, पहाड़ी खीरे का रायता और अनार का रायता। दोनों ही बहुत ही डिफरेंट तरीके के रायते हैं। खीरे के रायते को मैंने पहाड़ी खीरे के साथ बनाया है, पर आप इसको नॉर्मल खीरे के साथ भी बना सकते हैं। तो इनको जरूर ट्राई करिएगा। दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के रायते हैं, अलग ही टेस्ट है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप कर लिया है, इसको बस थोड़ा सा ही स्पून से विस्क करना है, ज़्यादा विस्क नहीं करना, जैसा कि हमारे यहाँ नॉर्थ में करते हैं रायता बनाने के लिए। बस अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई पाउडर। ये पहाड़ की राई भी डिफरेंट होती है, पर आप कोई भी बारीक राई का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्थ में पिकल बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड 1 पिंच टर्मरिक, हल्दी। नाउ कीप असाइड फॉर 10 मिनट्स। इससे हल्दी अपना कलर देगी और राई अपना फ्लेवर। ये पहाड़ी खीरा है, इसमें खीरे का यूज होता है, लेकिन उत्तराखंड में इसको ककड़ी का रायता बोलते हैं, लेकिन डालते हैं इसमें खीरा है। तो इसको मैं पील करके ग्रेट कर लूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें रायते में टर्मरिक का। खीरा भी कद्दूकस हो गया है और अब ये जाएगा हमारे दही में। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप कभी भी उत्तराखंड जाएं तो आपको वहां मेन्यू में ये पहाड़ी रायता या ककड़ी के रायते से मिलेगा। परफेक्ट। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हल्का सा रेड चिली पाउडर। दैट्स इट। सो सिंपल, सो टेस्टी बट डिफरेंट। इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम ग्रीन रायता अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और एक बार यदि आप उसको खाएंगे और बनाएंगे तो उसके जरूर फैन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनार के रायते के लिए ये मैंने 2 कप दही लिया है, इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सैफ्रॉन केसर क्रश्ड करके। अनार का भी सीजन है और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, इस रायते को आप जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वैसे तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा हो के ये और भी अच्छा लगता है। और साथ ही 15 मिनट में केसर अपना फ्लेवर भी देगी और बहुत अच्छा कलर भी इसमें आ जाएगा। सैफ्रॉन का अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट थोड़ा ही यूज करना है, ज्यादा इसको नहीं डालना है। और साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून बूरा या पाउडर शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्टार इंग्रेडिएंट अनार। ये मैंने 1 कप के करीब लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी और यमी रायता बनता है ये, एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दही में, इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा ही रखना है, थिक रखना है। पोम ग्रेनेट रायता रेडी है, इसको गार्निश करेंगे थोड़े से। और मैंने ये सीड्स रख लिए थे। सो सिंपल, सो ईजी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ईजी और क्विक रेसिपीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।